बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हम हाजिर हैं, साथ अनीता भंडराल जी मौजूद हैं जो चंडीगढ़ के स्टडी स्केयर के हेड हैं। अनीता जी आपका बेहद स्वागत है जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। सो कई तरह की नई नई खबरें कनाडा जी से भी आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रही हैं, और आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में कंपटीशन और ज्यादा। और अगर हम कनाडा की बात करें तो मुझे लगता है कि कनाडा में वीजा लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन आसान और सस्ता प्रोसेस हो गया है थोड़ा सा। फंड्स के जी बिना भी, फंड्स तो शो करने पड़ेंगे, लेकिन जीआईसी के बिना स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन आएगी। लेकिन हम शुरू ऑस्ट्रेलिया से करेंगे। अनीता मैम, जिस तरह की खबरें ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया का वीजा और ज्यादा कंपिटिटिव हो गया है, इस तरह की खबरें हैं। ये कंपिटिटिव का मतलब क्या है? क्या ऑस्ट्रेलिया वीजा इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला? हालांकि आप लोगों को 100 में से 96 वीजा मिलते हैं, जी जी आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल जी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वीजा के कंपिटिटिव होने का मतलब क्या? जी सर, देखिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की बात करो तो यस, बिकॉज एक क्राउड हमारे पास होता है स्टूडेंट्स का, जो कि ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, जिनका एम ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना होता है और जिन्होंने बहुत टाइम से सोचा होता है कि हमने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही अप्लाई करना, नो मैटर जो मर्जी कंट्री की जो भी गाइडलाइन हो, बट हमारा एम वही है कि वी वांट टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया। एक तो ये वाला क्राउड होता है और इसमें मैं बोलूंगी कि तकरीबन 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसी फिलोसफी पे चलते हैं, लेकिन बाकी के जो 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो ये देखते हैं अच्छा कनाडा नहीं अच्छा चल रहा है, हमें बाहर जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट वो होता है कि ओके, वो पहले आरएनडी करते हैं और वो फिर देखते हैं कि इस टाइम पे मेरे रिलेटिव मेरे फ्रेंड्स कहाँ पे, तो मुझे वहीं पे जाना है। तो जो तो स्टूडेंट्स ओरिजिनली ही मतलब उनका एम ही ऑस्ट्रेलिया जाना था और वो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से अपनी एजुकेशन कर रहे थे, उसी हिसाब से अपनी फंडिंग कर रहे थे, इनकम कर रहे थे, आई डोंट थिंक कि उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम आती है या आएगी। ठीक है, बट जो स्टूडेंट किसी और कंट्री में उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो अब ऑस्ट्रेलिया को अपना एम बना रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज वो कंपेयर करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस ये है, कनाडा ये बोलता है, यूके ये बोलता है, तो वो प्रोसेस में थोड़ा सा उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो अपना एक एम और एक विजन बनाए कि कौन सी कंट्री में जाना है, और बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द स्टूडेंट वीजा तो बेटर यही रहेगा कि एजुकेशन के पर्पज से सोचें, वो ज्यादा बेटर है। अब अगर मैं रीसेंट अपडेट की बात करती हूँ ऑस्ट्रेलिया की, कि अभी जो रीसेंट अपडेट्स हैं वो क्या है, तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया में फेब्रुअरी इनटेक में अभी सीट्स ओपन है, इफ यू वांट टू अप्लाई योर एप्लीकेशन यू कैन अप्लाई, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके अलावा आप साथ में ही जुलाई इनटेक में भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, दे आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर जुलाई इनटेक एज वेल। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे, क्योंकि जहां पे इतने डिलेज हो रहे हैं चीजों को लेके, सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज पे आपको प्रोसेस फॉलो करना है, बिकॉज हम हर शो में, मैं मंत्री जी हर शो में आप लोगों को यही कम्युनिकेट करते हैं कि देर इज नो डिले फ्रॉम आर एंड, देर इज नो डिले फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज एंड, इट जस्ट दैट कि हाई कमीशन एक टाइम दे दिया कि 2 से 3 महीने वीजा डिसीजन को लगेंगे, तो हमारी समझदारी इसमें यही होगी कि हम टाइम रहते अपनी वीजा फाइल को लॉन्च करें। पहली चीज तो ये इंस्ट्रक्शन आप बिल्कुल फॉलो कर लीजिए, गार्ड बांध लीजिए, सो दैट आपका कभी भी प्रोसेस डिले ही ना हो, ऐसा ना हो कि आपकी जो इनटेक है वो जा रहा है आपका, बट आपका साथ में आपका अभी तक आपके प्रोसेस का और वीजा प्रोसेस का कुछ नहीं आता पता। दूसरी चीज, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द यूनिवर्सिटी एंड विद द कोर्स। तो जो स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगा, देखिए इंटरनेशनल कैपिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना है कि इंटरनेशनल कैपिंग आई है आएगी, उससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, तो लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली दिस टाइम कि अभी तो इंटरनेशनल कैपिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ सीट्स की रिवेलनेस हुई है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को कितनी सीट्स मिलेगी। अभी तो जो इंटरनेशनल कैपिंग का जो असली जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो जनवरी के बाद पड़ेगा, मतलब जनवरी 2025 के बाद पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि ओके, बिकॉज अभी जो सीट्स है वो एलोकेट हुई है हर यूनिवर्सिटी को। अब किसी यूनिवर्सिटी के पास 1000 सीट्स हैं, किसी के पास 5000 सीट्स हैं। जुलाई इनटेक 25 दिल्ली, कब से स्टार्ट करें अप्लाई करना? जी अब से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यूनिवर्सिटीज आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट उन्होंने यूनिवर्सिटीज ने अगर एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है
हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो जुलाई इनटेक के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट कर चुकी है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी फायदा ही होता है जब आप अर्ली लॉन्चमेंट या अर्ली एप्लीकेशन करते हैं तो यूनिवर्सिटीज के पास सीट्स बची होती है, वो बिल्कुल आपकी जो प्रोफाइल है बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से असेसमेंट होती है जो चीजें, बिकॉज कई बार क्या होता है सर, मैं आपको बताती हूँ, जब जीटी का प्रोसेस चल रहा होता है ना, हम आप ये बोल देते हैं या फिर मतलब हम स्टूडेंट से भी कई बार बात करते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट हमें फंड्स बता रहा है कि जी 30 से 32 लाख, तो कई बार क्या होता है सर कि जीटी का जब अंडर प्रोसेस चलता है, हम लोग बोलते हैं कि जीटी अप्रूव करने में यूनिवर्सिटी आपको 8 दिन लगाएगी, लेकिन वो 8 दिन कब लगेंगे, जब यूनिवर्सिटी को आपकी फंडिंग और फाइनेंशियल समझ में आएंगी। और दूसरी चीज है, जब आपने यूनिवर्सिटीज को, बिकॉज फंड्स लोग भेज देते हैं, स्टूडेंट्स भेज देते हैं, बट कई बार यूनिवर्सिटीज की गाइडलाइन कुछ और होती है और यूनिवर्सिटी को जस्टिफाई करवाना होता है कि हम ये जो फंड्स हैं ये हम क्यों भेज रहे हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम एप्लीकेशन अप्लाई करें तो हमें यूनिवर्सिटी को भी एक स्पेसिफिक विंडो देनी है, तो उन लोगों के लिए वो चीज बहुत फायदेमंद रह जाती है जो स्टूडेंट्स पहले से एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज जो है वो काफी फायदेमंद रहेगी। तो आई वुड कि हाँ थोड़ा जल्दी ही अप्लाई करें, जुलाई इनटेक अगर आपको मिल रहा है बिल्कुल आप अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और जनवरी इनटेक के लिए तो बड़ा लाजमी है कि जल्दी से जल्दी आप लोग अप्लाई करें। अभी जनवरी इनटेक के लिए क्या स्टूडेंट्स के लिए अच्छी ऑप्शन पेंडिंग है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में अभी गुंजाइश है? अनिता मैम, सर फेब इनटेक में ना ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, फेब एंड मार्च का मंथ दोनों ही इंक्लूडेड रहते हैं, सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पास, किसी के पास फेब इनटेक की स्टार्ट डेट है, किसी के पास मार्च की स्टार्ट डेट है, तो जब तक आपकी स्टार्ट डेट, लेट्स सपोज अगर आपको मार्च इनटेक भी मिल रहा है, तो मार्च इनटेक में आप बस ये मान के चलिए कि आपकी वीजा फाइल लॉन्च होने से 2 महीने का टाइम आप हाई कमीशन को दें, और अभी यस यूनिवर्सिटीज के पास काफी अच्छे कोर्सेज बचे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया, व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, एवरी स्टूडेंट कैन नॉट मीट द यू नो लाइक जीटी रिक्वायरमेंट, सो जो जिसको अब हम जीएस भी बोलते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट सारे स्टूडेंट्स नहीं मीट कर पाते, तो सीट्स कहीं ना कहीं बच जाती है। सीट्स की प्रॉब्लम आती है जैसे नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, सो जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं अगर आपको फेब में नहीं सीट्स मिल रही है तो आप जुलाई में भी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, और ये बड़ा जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो इन चीजों को समझें कि जनवरी इनटेक के लिए अगर हम नवंबर में अप्लाई कर लें तो हमको खासा बेनिफिट रह सकता है। अगर नवंबर में फाइल लॉन्च होती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी इनटेक या फरवरी इनटेक में हमें वीजा मिल जाएगा। मान लीजिए स्टूडेंट जो नवंबर से लेट हो जाएंगे उनके लिए कितना रिस्क है जनवरी फरवरी इनटेक लेना? सर देखिए, सब सारे स्टूडेंट्स का जो वीजा डिसीजन का जो टाइम है वो 3 महीने नहीं लग रहा है, 2.5 महीने नहीं लग रहा है, हमारे रिसेंटली कुछ वीजा आए हैं 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, बट अब ये इस चीज की पब्लिसिटी करना या फिर इस चीज को ये बोलना है कि नहीं नहीं अभी तो ऑस्ट्रेलिया 1 महीने का टाइम ले रहा है, वो रेयर स्टूडेंट्स के आते हैं 1 महीना 1.5 महीना। हालांकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जो डिस्क्लोज किया था वीजा नंबर जो मैंने आपको डिस्क्लोज किया था, वो सबका एक ही टाइम था 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर डिसीजन देना, लेकिन जो हाई कमीशन की जो गाइडलाइन है जब उन्होंने मेंशन किया है कि वी विल टेक यू नो इतने 2 से 3 महीने का वो टाइम लेंगे, तो आई बिलीव वी शुड गिव देम द एप्रोप्रिएट टाइम, जल्दी आ जाए, सो हम उस चीज को ऐसे कंसीडर करेंगे जल्दी आ जाए, सो दैट्स आवर लक, और अगर लेट आ जाए तो चलो वी हैव गिवन द एप्रोप्रिएट टाइम टू द हाई कमीशन। बिल्कुल ठीक है, तो नवंबर इनटेक में अभी भी नवंबर के मंथ में स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है कि वो जनवरी या फरवरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जुलाई इनटेक के लिए भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब जुलाई इनटेक के लिए कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। जुलाई इनटेक के लिए क्या 23rd पास आउट स्टूडेंट, माफ कीजिएगा 24 पास आउट स्टूडेंट वही अप्लाई कर सकते हैं या 23rd पास आउट भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर, 24 पास आउट जी। ओके, जुलाई के लिए सिर्फ 24 पास आउट स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच अनिता मैम, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से आपने स्टूडेंट्स को सारी गाइडेंस दी है। और व्हाट्सएप आप करिए 9343624902। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।